हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू टॉपिक। स्टूडेंट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ ब्रेथेज में आप लोगों ने दो पार्ट पढ़े, ये थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे एक्सचेंज ऑफ ब्रेथेज का और ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रेथेज का। दो टॉपिक हम लोग आज स्टडी करेंगे, एक्सचेंज ऑफ ब्रेथेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रेथेज। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गैसेज कौन कौन सी होती हैं जो हम लोगों की बॉडी में जिनको एक्सचेंज किया जाता है या जिनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो उनमें देर आर टू टाइप्स ऑफ गैसेज। फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन O2 एंड सेकेंड वन इज CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द टू गैसेज विच आर ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड। तो इनका हम किस तरह से इनको स्टडी करें। स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, देन आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। स्टूडेंट, अपने बॉडी में दो ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। एक होता है लंग्स के अंदर एल्वियोलाई, एयर सैक, ये है, ये एल्वियोलाई, एल्वियोलस कहा जाता है इनको। तो इसमें यहां पर और ब्लड, दिस इज द ब्लड कैपिलरी, यहां पर ब्लड भरा हुआ, इसके और इसके बीच एल्वियोलस और ब्लड के बीच में गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। सेकेंड पार्ट कहां पर होता है, बॉडी सेल्स में, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहां भी हो रहा है एक्सचेंज। यानी दो प्लेस ऐसे हैं जहां पर हम लोग गैसों का एक्सचेंज देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि एल्वियोलस वाले पार्ट में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। स्टूडेंट, ये हमारा एक एल्वियोलस, लंग्स के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में इनकी संख्या होती है, उनमें से एक को मैंने ड्रा किया है। और इसके चारों ओर, प्रत्येक एल्वियोलस के चारों ओर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। अब यहां पर ये एंडोथेलियल ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल्स में जो है इसकी जो दीवार होती है इसको एंडोथेलियम कहा जाता है। एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये जो एल्वियोलस होती है इसकी लेयर होती है, इसको बोलते हैं एल्वियोलर एपिथेलियम। तो यहां पर दो लेयर्स हैं, एक एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल और दूसरा है एल्वियोलर एपिथेलियम। इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप होता है, ये बीच में, यानी दो लेयर के बीच में गैसों की एक्सचेंजिंग होती है। स्टूडेंट, इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ ये सपोज करिए कि ये जो है एयर सैक, ये जो एल्वियोलस है ये वो ही है, यहाँ पर ये इंस्पायर्ड एयर आ रही है और यहाँ से एक्सपायर्ड एयर, यानी एयर जो है बाहर निकल रही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ये PCO2 लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg होता है। मीन्स जो हम एयर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन, जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो आ रहा लंग्स में, यहाँ पर ये हार्ट को शो किया गया है, ये वेंटिकल है, राइट वेंटिकल है, राइट वेंटिकल से इम्प्योर ब्लड आ रहा है ये, यानी लंग्स में आ रहा, और यहाँ लंग से होकर के प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में जा रहा है। तो यहाँ पर जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 40 mmHg होता है। यहाँ पर कितना है, 104 mmHg, यानी ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है और इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। तो यहाँ डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा ऑक्सीजन इसके अंदर आ रहा है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यहां पर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां ज्यादा होती है। अब यहां कितनी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर होता है यह लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट 445 mmHg इन डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भी है और यहां से घूम करके आ रहा है ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जा रहा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहां ज्यादा है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जहां ज्यादा होगी वहीं से कम क्यों,
ये डिफ्यूजन यही बताता है कि ज्यादा से कम क्यों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की का पार्शियल प्रेशर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होता है तो ब्लड से चला जाता है एल्वियोलस के अंदर, और यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो ये एल्वियोलस से इसके अंदर आ जाती ब्लड के अंदर। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा चला आ रहा है ये लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मूव करता हुआ ये सीधा चला आ रहा है, ये सिस्टेमिक आर्टरी है, सिस्टेमिक ओर्टा इसे बोला जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के सीधा जा रही है बॉडी टिश्यू, बॉडी सेल। अब यहाँ बॉडी सेल्स है, बॉडी सेल्स में स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज्यादा मात्रा में पाई जाती है बॉडी टिश्यू में, क्योंकि वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा। और ये जो ब्लड है इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जा रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, क्योंकि ये लंग्स से आ रहा, तो लंग्स से आ रहा तो इसका मतलब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है, तो बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मौजूद होती है, और यहाँ बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि बन रही है तो ज्यादा है, तो यहां से बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है ब्लड में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चूंकि है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा आ रही है तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, तो ज्यादा से कम क्यों, यानी ब्लड से सीधा बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दो प्लेस ऐसे हैं, एक एल्वियोलस वाला भाग है जहां जो लंग्स में है और दूसरा बॉडी सेल्स में है, तो इन प्लेसेज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजिंग होती है, अदला बदली होती है। यहां पर एल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से यहां पर आती है एल्वियोलस में। यहां क्या है कि बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है और ब्लड से ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में जाती है, तो इस हिसाब से गैसों की एक्सचेंजिंग होती रहती है। और बाकी जो अलग से आपने इसको देखा है कि ये एयर सैक है, सही एल्वियोलर एल्वियोलर सैक मान लो इसको, एल्वियोलस इसको बोलते हैं, तो एल्वियोलस वाले पार्ट में यहां से इंस्पायर्ड एयर आ रही ऑक्सीजन और यहां से एक्सपायर्ड एयर निकल रही बाहर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कम होता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है ब्रीदिंग वाले चैप्टर, ब्रीदिंग वाले टॉपिक में, यानी सेकंड पार्ट में, जिसमें मैंने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस समझाई। नाउ सेकंड टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अब यहां पर एक्सचेंजिंग तो हो गई स्टूडेंट, लेकिन अब इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एल्वियोलस से ब्लड में आ गया, तो ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो ऑक्सीजन क्या करती है हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेती है, जैसे ही रिएक्ट करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है, यानी एचबी प्लस ओ टू इक्वल टू एचबी ओ टू, एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन, ओ टू मीन्स ऑक्सीजन, एचबी ओ टू मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन क्या करती है हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, और यह सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ ये सीधा यहां चली जाती है हार्ट में, हार्ट से होते हुए सिस्टमिक एओर्टा द्वारा ये सीधा चली जाती है, और यहां पर आकर के जो HbO2 बना है ये आकर के यहां पर टूट जाएगा, यानी HbO2 इक्वल टू Hb प्लस O2 यहां बॉडी सेल्स में आकर के यहां लंग्स में एल्वियोलस में हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर रही है यहां पर ब्लड में, और यहां पर ब्लड में टूट रही है, और टूट करके ऑक्सीजन चली गई सेल्स के अंदर और हीमोग्लोबिन इसी में रह जाती है। ये तो हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कि ऑक्सीजन कैसे पहुंची। अब सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रांसलोकेट होती है। बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई ब्लड में, ये तो मैंने एक्सचेंज आप गैसेज में बता दिया कि बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गई। अब ब्लड में आने के बाद ब्लड में किन किन फॉर्म में किन किन रूपों में कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से लेकर के लंग्स तक लाया जाता है, यानी बॉडी सेल से जो आई है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, तो इस ब्लड से लंग्स तक आने में कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है। तो स्टूडेंट देयर आर थ्री मेथड,
बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर ब्लड। फर्स्ट मेथड क्या है? इट डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। सबसे पहला मेथड यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है और इसका लगभग 5-7% इसके थ्रू चलाता है, प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व होकर के सीधा चली जाएगी और आने के बाद कार्बन यहां पर आ जाएगी और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सीधा एल्वियोल्स के अंदर आ जाएगी। एक तो मेथड यह है, यानी डिजॉल्व मेथड के द्वारा, यानी प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड करीब 5-7% डिजॉल्व हो जाएगी उसके वाटर में और डिजॉल्व होकर के सीधा चली जाएगी। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि एज बाइकार्बोनेट आयन करीब 70%। स्टूडेंट यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, डिजॉल्व अगर हो रही है ब्लड के प्लाज्मा में तो क्या बना करके आ रही है ये समझ लीजिए। ब्लड के प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वाटर से रिएक्ट करती है CO2+H2 और बनाती है H2CO3। दिस इज द कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बोनिक एसिड के रूप में सीधा चली आई और यहां पर आकर के कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, सीधा यहां आ जाती है और H2O ब्लड में रह जाता है। एक तो प्रोसेस ये। सेकेंड प्रोसेस क्या है, एज बाइकार्बोनेट आयन। अब ब्लड में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो ब्लड में RBC पाई जाती है। RBC के अंदर स्टूडेंट्स एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बोला जाता है और इसकी टर्नओवर संख्या बहुत ज्यादा होती है, यानी पर सेकेंड ये कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 10^7 मॉलिक्यूल को ये कार्बोनिक एसिड में चेंज कर देता है। तो टर्नओवर संख्या उसको बोलते हैं, एंजाइम वाले चैप्टर में आप स्टडी करेंगे कि पर सेकेंड कौन सा एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को कितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा पर सेकेंड, तो उसको टर्नओवर संख्या बोलते हैं। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, सपोज करिए कि ये ब्लड है और ब्लड में ये पाई जा रही RBC, यानी ये RBC मान लीजिए सपोज के लिए हमारी, तो इस RBC के अंदर जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी के अंदर चली जाती है और जाने के बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है टूट जाती है H+ और बाइकार्बोनेट आयन में। कार्बोनिक एसिड जैसे सपोज के लिए H2CO3 है, H2CO3 ये टूट जाएगी, ये बनेगी आकर के H+ HCO3-, मींस दिस इज द बाइकार्बोनेट आयन और दिस इज H+ आयन। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये RBC से निकल करके आ जाएंगे प्लाज्मा में बाहर और प्लाज्मा से Cl- यानी क्लोराइड के आयन अंदर प्रवेश करते हैं, इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो क्लोराइड उसी के बदले में एक्सचेंजिंग में, तो बाइकार्बोनेट बाहर आते हैं और उसी हिसाब से क्लोराइड आयन अंदर चले जाते हैं। अब बाइकार्बोनेट आयन जो बाहर आ गए हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, सोडियम से क्रिया कर लेते हैं, सोडियम या पोटेशियम से HCO3- NA+, तो ये बना लेते हैं NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से KHCO3 के पोटेशियम बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में जैसे ही कन्वर्ट होते हैं वैसे ही ये ब्लड के थ्रू सीधा चले जाए हार्ट में, हार्ट से सीधा लंग्स में और यहां पर आकर के सोडियम अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और सीधा निकल करके बाहर चली जाती है और ये करीब 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में निकल करके ट्रांसपोर्ट होती है, यानी 70% नियर अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज ए बाइकार्बोनेट आयन बाय ब्लड। थर्ड प्रोसेस क्या है, अबाउट 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में एक अमीन समूह पाया जाता है तो उस अमीन समूह से यह रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड और बनाती है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, यानी तीसरी प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीन ग्रुप से जुड़कर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाती है और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन सीधे ब्लड के थ्रू आया हार्ट में और हार्ट से सीधा लंग्स में पहुंचती है, यानी यहां से आकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके बाहर चला जाता है, यानी यहां लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी प्रोसेस से पहुंचे। कौन कौन सी प्रोसेस, या तो ब्लड के प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर पहुंच जाए, दूसरा बताया कि एज बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में पहुंच जाए,
या तीसरी प्रोसेस बताया कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में चला जाए, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में करीब जो है 23% जाती है, लगभग 22 से 25% है, मतलब 23% करीब कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन एज ए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन प्रोडक्ट, तो यहाँ से पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में ज़्यादा है और यहाँ एल्वियोलस में कम है, क्योंकि बाहर से हवा ले रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और क्योंकि ब्लड आ रहा बॉडी सेल से होकर के तो यहाँ ज़्यादा है, और ज़्यादा से कार्बन डाइऑक्साइड कम की ओर निकल जाती है, इस प्रकार से शरीर से बाहर चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने दो क्लासेस पढ़ी हैं, पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दो पार्ट में मैंने बताया, एक एल्वियोलस वाले पार्ट में लंग्स में, और दूसरा बताया बॉडी सेल्स में किस तरह से होता है, और सेकंड पार्ट आपने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जिसमें से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट थ्री रूपों में, मैंने थ्री फॉर्म्स में बताया। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट इन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स इन माई चैनल। थैंक्स।